जो कि अताबाद लेक में एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है. अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, हमें क्या दिखाएंगे, हमें क्या बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, बताइएगा इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? ये इस वक्त आप मिली हैं लक्सस हंजा में. लक्सस हंजा में. अच्छा, तो इसकी खूबसूरती क्या है? वैसे तो नजर आ रही है, लेकिन आप मेरे नाज़रीन को बताएं, मेरे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को बताएं कि यहाँ पर क्यों आना चाहिए. यहाँ पर मेन सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे की खूबसूरत झील है अताबाद झील, इसको देखने के लिए. और बाकी इधर आगे पीछे घूमने फिरने की जगह है. बैक साइड पे हमारे साथ जो हिजाब लगा हुआ है वो यहाँ 621 के लिए आ सकते हैं. और ये हुसैनी ब्रिज है, अच्छा अलग पोर्ट है, प्रतीक पोर्ट है. जी ये पूरा साल खुला. कौन सा सीजन बेस्ट आने के लिए? ये मार्च से लेके सितंबर तक. मार्च से सितंबर तक. अच्छा, मुझे ये बताएगा, रेट्स बताएगा, रूम्स तो अभी आप दिखाएंगे हमें, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा रूम्स दिखाएंगे सारे. तो आप ये बताएंगे रेट्स क्या है रूम्स के? रेट्स तो अभी हमारे रेट चल रहे हैं 16,000 प्लस टैक्स और विदाउट टैक्स. अच्छा चलिए फिर देखते हैं. बेस्ट रूम दिखाएंगे, अपनी रूम्स की कैटेगरीज बताएंगे, और जिस जिस रूम में हम जाएंगे आप बताएंगे कि इस रूम के क्या फेयर है. अच्छा, कितने टोटल रूम्स हैं आपके पास? आप कितने में चलते हैं? हमारे पास 14 रूम्स हैं. वाओ, जबरदस्त, बहुत ही. ये आपका बेस्ट रूम है. ये भी हटाएगा, इसका दोनों साइड से व्यू है मेरे ख्याल में. बहुत ही खूबसूरत. अच्छा, इस रूम के बारे में बताइए कि इसका क्या फ्लोर है? इसका सबसे हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो चाहने वाले हैं रूम चाहने वाले वो इसमें यहाँ पे आना चाहते हैं. इसकी खसूसियत क्यों आना चाहते हैं आप? इसकी खसूसियत ये है, इसका दोनों तरफ से भी. दोनों तरफ से व्यू है. अच्छा, तो इसका इस वक्त क्या रेट है? इसका इस वक्त 16,000. अच्छा, तो इस वक्त आप मुझे ये बताइएगा कि कितने रूम है आपके पास इस व्यू के, इस तरह के व्यू के? सिर्फ एक रूम है? अच्छा, ये वाला एक रूम है. जबरदस्त, बाहर देखना चाहते हैं. बाहर को मैंने दरवाजा बंद किया है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से. इसको अच्छा आरती तौर पर बंद कर दीजिए. अच्छा, हम बाहर से देखेंगे. ठीक है, और वॉशरूम से कहेगा? ये मुझे जब भी मैं नहीं जाती हूँ बहुत अट्रैक्ट करती हूँ. अच्छा जी, अब आप क्या दिखाएंगे? बहुत ही खूबसूरत रूम, बहुत ही खूबसूरत व्यू. इसकी भी है लेकिन उसकी नस्बत इसकी थोड़ी सी मांग है. अच्छा, मांग कम है लेकिन प्राइस क्या है इसकी? प्राइस ही आजकल 16. अच्छा, ये भी 16 का, वो भी 16 का. ये अभी आज की जो रेट है 16. हाँ, तो वो आपने कहा था कि दोनों साइड पे व्यू है तो उसकी प्राइसेस ज्यादा नहीं हो जाते या सेम ही रहते हैं? ये नजर में कि ये सीजन में जो है उसकी 24,000 थी और इसकी 18,000. अच्छा, तो जब पीक सीजन हो जाता है तो वो 24,000 का हो जाता है. वो लास्ट सीजन में 24,000 था, सही है, सीजन फाइनल रूम है. तो अभी इस वक्त ये भी हमें 16,000 का. जबरदस्त, क्या क्या स्पेशलिटी है इसमें थोड़ा सा बताइएगा.
एक तो ये हो गया, आप खोल के यहाँ पे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और क्या क्या है? अच्छा जबरदस्त, आप देख सकते हैं कितना सामने से मैं इस ग्लास के ऊपर कितना जबरदस्त तारा है, बैक साइड पे वो ग्रीन कलर जो है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा रात को क्या होता है यहाँ पे? तो बॉन फायर वगैरह होता है? अच्छा और भी होता है। और खाने के बताइएगा, आपके तीनों टाइम खाना अवेलेबल होता है यहाँ पे? चलिए सब कुछ अवेलेबल है इस पे, जबरदस्त। और ये 24 आवर्स होता है या डिनर के बाद बंद हो जाता है? ये हमारे जो है लास्ट ऑर्डर हम लेते हैं 7 बजे। यहाँ भी बहुत खूबसूरत व्यू है। अच्छा ये पूरा साल व्यू इसी तरह रहता है या कुछ चेंज होता है? लेक का कलर चेंज होता है तो? नहीं, लेक का कलर यही है, ये सिर्फ जो है फ्रीज हो जाती है। अच्छा ये फ्रीज हो जाती है, अभी बर्फ इस पे जमना शुरू हुई है तो? हल्की हल्की जमना शुरू हो गई है, क्योंकि 10-15 दिन बाद इतनी हार्ड हो जाएगी, इसको कोई मोटरसाइकिल गाड़ी चलाए कुछ भी चल सकता है। ठीक है, तो फॉरनर्स भी आते हैं? कौन से सीजन में फॉरनर्स ज्यादा आते हैं? मार्च अप्रैल सितम्बर तक बहुत ज्यादा है, ठंड जो है ज्यादा हो गई है, जिस वजह से आते हैं लेकिन कम थोड़े होते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा ये किसका आइडिया है, ये कब खुला, इसके बारे में कुछ बताइएगा? क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जो हमारे पास, हमने बड़े अच्छे तरीके से इससे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हम लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोगों को आना चाहिए, पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। और आप लोग तो गिलगित बल्तिस्तान में कश्मीर भी विजिट किया, हर जगह आप लोग बहुत कोऑपरेटिव, बहुत प्यार करने वाले, बहुत मिलनसार और वेलकमिंग मुल्क है। तो क्या आप मैसेज देंगे पूरी दुनिया में जो लोग आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आना चाहिए? ये मैसेज दूंगा कि जो आगे पीछे घूमने के जाते हैं अपने पाकिस्तान में टूर करें, गिलगित को देखें, गिलगित बल्तिस्तान को देखें, इसकी खूबसूरती को देखें। यहाँ से बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश होती है तो एक बार इधर भी यहाँ पर आते हैं। तो कितने साल पहले बनाए ये? हमने बनाए ये मार्च में, जून में भी एक साल भी नहीं हुआ, एक साल। तो इसका रिस्पांस कितना अच्छा मिला जब ये खुला, उसके बाद कितनी क्वांटिटी में लोग आते हैं, लोगों को ये पसंद आता है, मतलब कैसा रहता है? इसमें जब हमने ये ओपन किया मैम इतनी ज्यादा रखी थी, एक साल पहले रखी, अभी भी जो है जून जुलाई की बुकिंग जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। तो मालिक कौन है? तो बहुत अच्छा आइडिया है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक जबरदस्त आइडिया सोचा और एक बहुत ही खूबसूरत लेक पर इतना खूबसूरत होटल बनाया। और आप मुझे क्या दिखाएंगे? अब जो है आगे भी दो कमरे वो भी बन रहे हैं, वो भी उनका व्यू तो अच्छा है, देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन जबरदस्त, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान से बाहर तो हमने चीजें देखी हुई है कि व्यू, यू कैन हैव बाथ विद व्यू, तो यहाँ पे आर इट्स अमेजिंग, रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अताबाद इज लव और लक्सस हुंजा इज सो ब्यूटीफुल। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये तो बेस्ट रूम
लेकिन ये दो रूम्स तो सीरियसली इट्स लव, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही खूबसूरत। पाकिस्तान जरूर आना चाहिए यार, पाकिस्तान आओ, आगे देखो कि कितना खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान। अटबाद लेक इज सो लव और लक्सस हंजा इज सो ब्यूटीफुल। चलिए हम बाहर चलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि वहां से कैसा नजारा नजर आ। आपके पास वाईफाई अवेलेबल है 24 आवर्स, जबरदस्त। हर रूम के साथ बालकनी है जो कि अभी बंद है सर्दी की वजह से, लेकिन जब गेस्ट आएंगे तो वो खुल जाएगी। सही, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे क्योंकि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत। लक्सस हंजा में मौजूद हूँ, आपने सारे रूम्स देखे जितने इनके पास बेस्ट रूम्स हैं, और जो बेस्ट रूम्स बन रहे हैं हम देख चुके हैं, मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका नाम क्या भाई साहब? आमिर अली, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। ये मेरा पहला टूर है यहाँ पर, इन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की और बहुत ही वेलकमिंग रहे। इनके सारे स्टाफ बहुत अच्छा। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद कासिम भी हमारे साथ रहे और बहुत अच्छे से हमें डील किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं कि आप इसमें और बहुत सारे रूम्स बनाएं, बहुत सारे होटल को एक्सटेंड करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट जो है टूरिज्म प्रमोट करें। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का भी मिशन है इस वक्त कि हम पूरी दुनिया से लोगों को लेकर आएं। 2020 इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा साबित होने वाला है, और हम दुआ करते हैं कि मार्च में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो, इतना ज़्यादा रश हो कि किसी के पास जगह ही ना हो, और आप सोचें कि आप दो तीन ऐसे और होटल्स बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लव लाइक मारिया की इस वीडियो से इतना ही। आज मैंने आपको दिखाया अटबाद लेक के ऊपर खूबसूरत सा लक्सस हंजा। मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारी प्यारी वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।